हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट प्रोड्यूसेस ब्लू कलर विद के आई स्टार सॉल्यूशन। द रिएक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, क्लोराइड। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा बच्चों, वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वो आयन पहचानना है जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, जो कि ब्लू कलर देगा सॉल्यूशन का विद के आई स्टार सॉल्यूशन। तो होता क्या बच्चों, हमारे पास में जो नाइट्राइड सॉल्यूशन होता है, जो नाइट्राइड आयन होता है, ये क्या करता है, इट गिव्स ब्लू कलर कलर विद के आई स्टार सॉल्यूशन। अब होता क्या बच्चों, सबसे पहले सपोज हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaNO2। ये क्या है, ये सोडियम नाइट्राइड है, सोडियम नाइट्राइड। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इसका एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी कि अगर इसको हम H2SO4 से ट्रीट करवा दें बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, Na2SO4 प्लस HNO2। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा 2NaNO2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस 2HNO2। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारा HNO2 होता है बच्चों, जब हमारा ये 2HNO2 होता है, ये रिएक्ट करेगा के आई स्टार सोल्यूशन से, तो ये क्या करता है, इट इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू द सोल्यूशन, इट इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू सॉल्यूशन। तो यानी बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस पूरी ही रिएक्शन में जो हमारा नाइट्राइट आयन है, वो क्या कर रहा है, वो हमारे के आई स्टार सॉल्यूशन को ब्लू कलर दे रहा है। तो क्या होगा बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है, जो ब्लू कलर यहाँ पे ऑप्टेन होता है, बेसिकली ये एक ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनता है विद स्टार्च। तो इसका आंसर हो गया बच्चों नाइट्राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, नाइट्राइट। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।